दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा डिजिटल करेंसी के फायदे, क्या डिजिटल करेंसी से आम आदमी को होंगे फायदे? जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम लेन देन केस के माध्यम से करते हैं, वहीं हम अगर डिजिटल लेन देन करें तो हमें केस ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार केस ले जाना जोखिम का काम हो जाता है, उसी जगह हम डिजिटल करेंसी का यूज़ करें तो ये काफ़ी सेफ रहेगा। जिस प्रकार आज छोटा से छोटा दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट QR के माध्यम से लेता है, इसी प्रकार इंडिया में बढ़ती हुई ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली को देखते हुए RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंगलवार 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी E-रुपए को लॉन्च कर दिया है। भविष्य में डिजिटल ई पेमेंट का यूज बढ़ने से लोगों की कैश निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। जिस प्रकार एक नोट का खो जाने, फट जाने या किसी भी प्रकार खराब हो जाने का डर रहता है, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करने लगेगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल वॉलेट में रहेगा, जिससे आप कहीं भी पे कर पाएंगे और ये आप बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे। इसकी सबसे खास बात यही है कि इसमें किसी भी प्रकार के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे आप कैश में भी चेंज कर पाएंगे। डिजिटल करेंसी E-रुपी पूरी तरह से सिक्योर रहेगा, क्योंकि इसका नियंत्रण RBI के पास रहेगा। जिस प्रकार हम फोनपे, गूगल पे, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, उसी प्रकार हम डिजिटल E-रुपे को ऐप के माध्यम से अपने वॉलेट से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और इसमें आपको किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना बैंक अकाउंट से भी आप अपने वॉलेट से मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं मिलेगा, ये आपके करेंट अकाउंट की तरह रहेगा। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके मनी लॉस का भी कोई डर नहीं रहेगा। डिजिटल ई रुपए के इस्तेमाल से हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी, इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जो प्रतिवर्ष नोट छापने का करोड़ों का खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। RBI ने इसमें 9 बैंकों को शामिल किया है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, येस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अक्टूबर में इसका ऐलान किया था और मंगलवार 1 नवंबर 2022 को डिजिटल करेंसी को लॉन्च भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही नए नए जानकारी के अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।